हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है भाई दूज। एक्चुअली मैं दिवाली पे व्लॉग नहीं कर पाई थी तो मैंने सोचा आज कर देती। तो अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए NBC, जो कि अजमेर में ही है। हॉट चॉकलेट ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन हूँ। इसके साथ ले लेंगे आप? क्यों? कुछ भी नहीं। अब सेकंड कॉफी। बहुत ज़्यादा गर्म है। इट्स टू हॉट। फ्रेंड्स को नशे में मूव करूँ। पीछे बढ़िया है वो मेरे को देख के गए। मैं देख के ओके नाउ वी आर गोइंग होम। तो अभी हम आज के हैं घर। आज की ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैंने बालों के अंदर लगा रखा एलोवेरा। मैं मेरे घर आई हूँ ना, मेरे बहुत सारा एलोवेरा है। मैंने जस्ट आज हेयर केयर डे मेरा, तो एलोवेरा लगाया। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ कल मेरी ट्रेन में मुंबई। तो कल हम मुंबई चले जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ना कुछ मैं लगा के चले जाऊँ, जैसे कि धनिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है, मुंबई में तो हमको मिलता नहीं है। तो जो मेरा शौक है मैं यहाँ पूरा करके जा रही हूँ। मैं यहाँ पर धनिया लगा के जाऊँगी, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब धनिया लेके जाऊँगी। तो आज हम हमारे गार्डन में लगाने वाले हैं धनिया। तो इसके लिए मैंने साबुत धनिया लेके आ गई हूँ, मैंने पानी भी। ये हमारा गार्डन है छोटा सा, आप देख सकते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ लगाती थी। और अभी यहाँ पे मम्मी ने पालक लगा के रखा, वो बहुत छोटा आप देख सकते हैं। और जब मैं छोटी थी ना तो ये रोज मैंने लगाया था, आप देख सकते हैं। अभी ये बहुत बड़ा हो चुका है। इन पे ना हम देखते भी थे, इन पे फ्लावर्स नहीं है, अभी काफी छोटा है। ओह सॉरी, ये तो मीठा नीम है, नीचे वाला रोज आप देख सकते हैं, ये वाला। तो जब मैं छोटी थी ना तो मैंने इतना सगाया था, अभी भी है ये। तो आज हम इस पे घर। तो पहले मैं इस एरिया को क्लीन कर लेती हूँ, मैं इस पूरे एरिया में लगाने वाली हूँ। तो मैं ना इस पूरे एरिया में उगाने वाली हूँ। वैसे मुझे मिट्टी में डालना था, इसको मिट्टी में क्रश कर दूंगी मैं। कैसे मैंने इसकी टू टू पास कर लेना सबके, लाइक ऐसे देखो, ऐसे करके। फिर पहले मैं थोड़ा पहले पानी से थोड़ा गीला कर दूंगी, ठीक है? तो ऐसे करके हम इसको अच्छे से पूरे एरिया में इसको ऐसे फैलाना है हमको। तो मैंने कुछ क्रश किया है, कुछ को साबुत ही रखा है, तो ऐसे कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे एरिया में इसको फैला दिया है। तो इससे क्या होगा, मिट्टी ऊपर आ जाएगी और बीज नीचे चले जाएंगे। तो उसके बाद मैं ऐसे ऐसे करके इसको प्लेन कर देंगे अभी हम इसको, ताकि जो बीज अंदर से अच्छे से सेट हो जाए। अब बचा भाई इतने एरिया में ही लगाया मैंने इधर धनिया। अब इधर मैं लहसुन लगाने वाली हूँ। क्लियर कर दो ना, इसमें पानी डाल दो। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बीज बह सकते हमारे, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इस पे।
ठीक है अभी हो चुका है, देखते हैं अभी कब निकलता है। और अभी इस वाले पार्ट में लहसुन लगाने वाली हूँ। इस सब जगह लहसुन जा चुका है, अभी मैंने हम भी फार्म हाउस बनाएंगे जिसमें ऐसे हम किचन गार्डन बनाएंगे, बहुत सारी चीजें लगाएंगे इसके अंदर और बस बैठ रहेंगे मिट्टी के अंदर दिन भर। तो मैंने लगा दिया इस तरफ धनिया, इस तरफ लहसुन। अब मैं तो कल जा रही हूँ अब मुंबई, और जो मेरी छोटी बहन है, ज़्यादा छोटी नहीं है वैसे, मुझसे छोटी है, वो इसको पानी पिला देगी और मेरे को अपडेट देती रहेगी इसका। अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारे घर का बाहर वाला गार्डन। तो ये है हमारा बाहर वाला गार्डन, आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत कुछ लगा रखा है हमने। ये नींबू का पौधा है ना, ये नींबू है ना। यहाँ पे हमारी बिल्ली भी बैठी है, यहीं पर रहती है, इसका घर ही यही है। और ये हमने चिड़िया के लिए रखा है। इतना कुछ लगा रखा है, ये सब मेरी मम्मी ने लगाया है, आप देख सकते हैं। और एलोवेरा तो बहुत सारा ही है, ये देख सकते हैं, ये एलोवेरा है, एलोवेरा है। मैं भी एक एलोवेरा लेके जा रही हूँ मुंबई में लगाने के लिए। मैं भी एक और एलोवेरा का पौधा लेके जा रही हूँ, फिर मैं अनुशक्ति नगर में लगाऊंगी ताकि मैं अपने हेयर्स में यूज़ कर सकूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि हमने मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं कल मुंबई जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को वाफल खिला के आऊँ। मेरे छोटे छोटे भाई बहन है दो, लाइज राती है वाफल खिलाने लेके आई हूँ। तो कल मैं चले जाऊंगी तो ये लोग मुझे मिस करेंगे ना, तो सुबह तो वाफल खिला दी। कार्ड जब्त हो गया मेरा, दो बच्चों के साथ। तो ये दाना ना अगर कुछ हुआ तो मैं वीडियो को आगे ज्वाइन कर दूंगी, नहीं तो फिर आज के व्लॉग को ये एंड करते हैं। अब मिलेंगे डायरेक्ट अनुशक्ति नगर के अंदर, अब जो आगे के जो भी व्लॉग्स आएंगे अनुशक्ति नगर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।